तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शन, स्वागत है आपका हमारी कोई ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छी वीडियोस मिल सके। मैं वजहत और मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की। और इंडिया तो वैसे भी मतलब इन मामलों में तेज़ है, मतलब बहुत ही टफ एग्ज़ाम्स लेता है इंडिया। मतलब इसका बोला भी गया कि टॉप 10 मतलब कुछ इनके एग्ज़ाम मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं कि टॉप 3 में आते हैं। टॉप 10 में यार एक जगह मैंने से एक बंदा बोल रहा था कमेंट में 3 में आते हैं। सो अभी ये बंदा ही बता देगा। सो टाइटल पर आते हैं, टॉप 10 टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया 2020। सो टॉप 10 हिंदी का वीडियो है, इन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। सो इसमें देखते हैं मतलब कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो मतलब टफेस्ट तरीन मुश्किल तरीन एग्जाम इंडिया में माने जाते हैं। सो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में, जिसमें उत्तीर्ण होना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन सा है। ये एग्जाम सही मायने में बहुत मुश्किल हैं और इन्हें पास करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो फिर आप ही बताएं कि आप इनमें से कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे। कॉपीराइट आ गया होगा। बिल्कुल वॉइस ही नहीं आ रही, तो वो कॉपीराइट है ना इस गाने पे। गाना है ना रटा मार समथिंग। एक यूपीएससी एग्जाम। जी हाँ, यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे टफेस्ट परीक्षाओं में गिनी जाती है। ये भारत सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है। ये परीक्षा सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यह एग्जाम सही में मुश्किल है और इसमें रिटन राउंड और वाइवा दोनों ही होते हैं। आंकड़े के अनुसार हर साल भारत में लगभग 10 लाख छात्र ये परीक्षा देते हैं, जिसमें कि सिर्फ 0.1 से 0.3% लोग ही उत्तीर्ण होते हैं। दो, एम्स पीजी की परीक्षा। एम्स की परीक्षा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि ये मेडिकल का सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से है। मगर क्या आप जानते हैं कि एम्स की पीजी परीक्षा और भी मुश्किल है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। डॉक्टरी में पीजी की परीक्षा मेडिकल डायरेक्टर के पोस्ट के लिए होती है, जो कि किसी भी विषय में स्पेशलाइजेशन के लिए है। आप सुनके हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ 124 ही सीट हैं और ये परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। हैरानी की बात यह है कि इसमें 25% सीट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी सीट्स आरक्षण वाले हैं। आरक्षण में इतनी सीट्स जाने के कारण इस परीक्षा को मुश्किल बताया जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरीज को बहुत कंपटीशन करके अपने मेरिट पे एक सीट हासिल करना होता है। एक सीट। 3, कैट एग्जाम। कैट एग्जाम आईएएम के लिए होता है। इससे कैंडिडेट भारत के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। इस एग्जाम में ज्यादातर वर्बल रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट पे ध्यान दिया जाता है। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। कैट एग्जाम के स्कोर से आजकल सिर्फ आईआईएम ही नहीं बल्कि अलग मैनेजमेंट स्कूल्स भी कैंडिडेट ले रहे हैं, मगर इसमें अच्छा परसेंटाइल लाना बहुत ही मुश्किल है। 4, आईआईटी जेईई एग्जाम। आईआईटी जेईई एग्जाम इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए सबसे मुश्किल एग्जाम है। इस एग्जाम में 2 राउंड्स होते हैं, प्रीलिमिनरी और मेंस। अगर आप प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर करते हैं तभी आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसमें लगभग हर साल 12 लाख छात्र परीक्षा देते हैं, जिसमें कुछ हजार ही मेन एग्जाम के लिए चुने जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इसमें सिलेक्शन 1:45 की रेशियो के अनुसार से होता है, जो कि बहुत ही कम है। आईआईटी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने के कारण ये एग्जाम और भी टफ हो जाता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि आईआईटी के कॉलेज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। Exactly. 5, आईईएस एग्जाम। आईईएस एग्जाम को भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये भी भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है और सिविल सर्विस एग्जाम जैसा ही होता है। ये बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं में से एक है, क्योंकि इसमें 4 राउंड्स होते हैं। पहला एप्टीट्यूड, फिर ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर, रिटन टेक्निकल पेपर और फिर इंटरव्यू। ये सब क्लियर होने के बाद ही आप आईईएस में सफल हो सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा लोग यह परीक्षा देते हैं क्योंकि इसमें काम अच्छा होता है और पैसे भी बहुत मिलते हैं। 6. एनडीए एग्जाम। एनडीए की परीक्षा आर्म्ड फोर्सेस की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। अच्छा। ये परीक्षा आप 12वीं के बाद दे सकते हैं। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल ही ज्यादातर रहते हैं। इसमें एक राउंड फिजिकल फिटनेस का भी होता है। आपके स्कोर के अनुसार आपको आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में नौकरी मिलती है। ये एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है और हर साल लाखों कैंडिडेट्स ये परीक्षा देते हैं जिसमें कुछ हजार की संख्या में ही चुने जाते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि भावी ऑफिसर्स मेंटली और फिजिकली फिट हैं या नहीं। 7. CLAT एग्जाम। CLAT की परीक्षा उनके लिए है जिन्हें कानून और न्याय व्यवस्था में रुचि है। ये लॉ की परीक्षा है। आपको भारत के टॉप 16 यूनिवर्सिटी में स्थान मिल सकता है। इस परीक्षा के स्कोर से आप अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार आजकल 45,000 से भी ज्यादा प्रतिद्वंदी लॉ में रुचि रखते हैं। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम होने के कारण इस परीक्षा को टफ माना जाता है। इसकी परीक्षा 2 घंटे की होती है जिसमें मैथ, अंग्रेजी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। 8. CA एग्जाम। चार्टर्ड एनालिस्ट का एग्जाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से माना जाता है। ये परीक्षा बहुत मुश्किल है और इसमें 7 विषय होते हैं जिसे आपको क्लियर करना होता है। फाइनल सेमेस्टर जिसे चार्टर्ड एनालिस्ट एग्जाम कहा जाता है वे बहुत ही टफ है और ये आपकी आंख में आंसू ला देता है। फाइनल एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और सवाल बहुत ही मुश्किल होते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि केवल 8% कैंडिडेट्स ही इस परीक्षा में सफल होते हैं। 9. नेट एग्जाम। ये एग्जाम UGC के द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में किया जाता है। अच्छा। इस परीक्षा के द्वारा आपको लेक्चरशिप या फिर रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। ये परीक्षा इतनी मुश्किल है कि कुछ लोग इसे 4 से 5 बार कोशिश करके भी क्लियर नहीं कर पाते। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि ये परीक्षा 83 विषयों में की जाती है और इसे क्लियर करना नामुमकिन के बराबर है। 10. रेल्वे एग्जाम। ऐसे तो लोग सोचते हैं कि रेल्वे की परीक्षा आसान होती है और इसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सच है कि बाकी परीक्षाओं से रेल्वे की परीक्षा आसान है और आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसे टफ क्यों माना जाता है? आप यकीन नहीं करेंगे कि हर साल 25 मिलियन लोग इस परीक्षा में बैठते हैं जिनमें कुछ हजार ही चुने जाते हैं। इतने लोग इस परीक्षा को देते हैं जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है। इसलिए इसे भारत का एक टफ एग्जाम माना जाता है जहां सवाल आसान होते हैं मगर देने वाले लोग किसी भी परीक्षा से बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉप 10 टफ परीक्षाएं। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी परीक्षा सबसे ज्यादा टफ लगी और आप कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे। ऐसे ही और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कमाल वीडियो बनाया। हां ठीक बोल रहे हो। और इधर इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो खत्म। तो इधर हुआ वीडियो खत्म। उम्मीद करते हैं यार वीडियो पसंद आई होगी। तो यार मतलब इतने मतलब मुश्किल टेस्ट थे। जो सबसे टॉप है था ना उसका तो 0.something का 0.1% उसका मतलब 0.1 के 2% इतने लाखों में पक्की बात है। इतना है तेरा वो जो इस तरह ना शून्य शून्य तो मुझे भी लगता है कि हां जीरो है। शून्य तो जीरो होता है और दशमलव वो जो बोला है ना उन्होंने मैं एक वीडियो में मुझे नहीं पता था ना इसका तो वो मैं कुछ और बोल रहा था मैं मतलब 17 लाख 18 लाख बोल रहा था तो सब मुझे करेक्ट कर रहे थे दशमलव पॉइंट को कहते हैं। So, दशमलव पॉइंट तो 0.12 उसने बोला तो 0.12 इसका और यार अगर देखा जाए तो मतलब के इम्पॉसिबल। और रेलवे का भाई वो रेलवे का भी मैंने देखा लाइक वो भी और वो आर्मी वाला फिर सी एग्जाम यार मतलब बहुत टफ टफ एग्जाम थे। और रेलवे का मतलब मैं भी थोड़ा वही सोच रहा था कि रेलवे का तो आसान होता है। बताऊं क्यों यार लेकिन 25 मिलियन वो तुझे मैं बताऊं क्या सीन है मतलब हमारे कंट्री पाकिस्तान मतलब ज्यादा सरकारी जॉब की तरफ भागते हैं तो वो सरकारी है ठीक है लोग ज्यादा अप्लाई करते होंगे कि हाँ भाई हमारे जॉब लगे वहाँ पे तो ये भी वजह से थी ज्यादा अप्लाई करते फिर जाहिर बात है जिस हिसाब से सीट्स होती होंगी कंपटीशन होता है बिल्कुल कंपटीशन सीट्स के हिसाब से कंपटीशन होता है बिल्कुल। अब कुछ हजार अब तुझे मिलियंस में लोग बैठे और आप लोग बताएं मतलब कौन कौन सा आप लोगों ने मतलब टेस्ट दे रहे हैं आप या सोचा है वगैरह आपने जो भी किया या मतलब आप ऑलरेडी वो वाला टेस्ट दे चुके हैं सो बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का और किस टेस्ट के लिए आप रेडी हो रहे हैं सो वो भी बता सकते हर हाल में
हमें कमेंट में बताएं। और ये जो इंडिया के जो ये एग्जाम्स हैं तो वर्ल्ड के भाई टफेस्ट एग्जाम आते हैं, बिल्कुल टॉप 10 में आते हैं। सो यार ये लोग आप लोग हमें बताना कि वर्ल्ड के टॉप 10 में इनमें से कौन से आते हैं, टॉप 10 में कर देना क्यों आ नहीं सकता। हाँ तो ये लोग ये बताएं कि वर्ल्ड के मतलब इनमें से कौन से आते हैं, क्योंकि मैंने मतलब काफी सारे कमेंट्स में देखा है कि वर्ल्ड के आए हो, तो आप लोग बता सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं यार आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते एंड सत श्री अकाल।